हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए आम आदमी पार्टी को झूठ बोलने की मशीनरी बताया और कहा कि जब तक इनकी सरकार पंजाब में नहीं थी तब तक ये लोग सारे दोषारोपण पंजाब पर करते थे। वहीं राम रहीम को मर्डर केस में बरी किया गया जिसे लेकर भी विज ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। विज ने लोकसभा चुनावों को लेकर भी बड़ा दावा किया है। देखते रहिए अजीत समाचार वेब टीवी। देखिए ये जो आम आदमी पार्टी है ये झूठ बोलने की मशीनरी है। ये हर मामले पे दूसरों पर दोषारोपण करते हैं, अपना ये कभी क्या है वो नहीं देखते और उसको ठीक भी नहीं देखते। जैसे प्रदूषण का सारा दोषारोपण आप इनके पुराने बयान निकाल कर देखो पंजाब पर लगाते हैं, लेकिन जब से पंजाब में आप पार्टी की सरकार बनी है इन्होंने वो बोलना बंद कर दिया। ये इस पार्टी की कारगुजारी है। इसी प्रकार से ये अपने आप को लोगों के जो गुस्सा है उससे बचाने की कोशिश करते हैं। फैसला है और सभी पहलुओं पर विचार विमर्श करने के बाद ही माननीय हाई कोर्ट ने इसके ऊपर फैसला है। देखिए 4 तारीख को जो होना है वो पहले ही दीवार पर लिखी हुई इबारत है। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा की लोकसभा के 10 की 10 और जहां से मुख्यमंत्री लड़ रहे हैं नायब सैनिक करवाल से वो सीट भी जीतने जा रहे हैं और केंद्र में भी नरेंद्र मोदी जी 3री बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और भारी भरकम बहुमत के साथ, क्योंकि जो 400 का नारा दिया था वो यू ही नहीं दिया था, बहुत सारे चीजों को देख कर दिया गया था। और उसके बाद हरियाणा में भी चुनाव होने जा रहे हैं और हरियाणा में भी डंके की चोट पर 3री बार भी सरकार बनाएगी भारतीय जनता पार्टी।